प्रियंका गांधी के आगरा मार्च की, क्योंकि अभी लखीमपुर हिंसा की आग बुझी भी नहीं थी कि आगरा में पुलिस कस्टडी में एक शख्स की मौत ने हड़कंप मचा दिया। ये मौत कैसे हुई कैसे नहीं, इसको लेकर सियासत गर्म है। प्रियंका गांधी लखनऊ से पीड़ित परिवार से मिलने के लिए निकली तो उन्हें आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर हिरासत में लिया गया। हालांकि बाद में आगरा जाने की इजाजत दे दी गई, लेकिन 17 दिन में दूसरी बार था जब प्रियंका को हिरासत में लिया गया। पुलिस कस्टडी में एक शख्स की मौत। पूछ रहा है यूपी गुनहगार कौन। आगरा कांड पर सियासत गरमाई। सत्रह दिन बाद फिर लखीमपुर की याद आई। वाल्मीकि जयंती पर बवाल, प्रियंका ने पूछे सुलगते सवाल। जहाँ भी मैं जाना चाहती हूँ वहाँ से रोक रहे हैं, तो क्या मैं रेस्ट हाउस में बैठी रहूँ, क्योंकि इनको पॉलिटिकली कन्वीनियंट है। गांधी को आगरा तो नहीं जाने दिया, हिरासत में ले लिया है और पुलिस लाइन ले जाया जा रहा है। लखीमपुर हिंसा की आग अभी बुझी भी नहीं थी। गोरखपुर में मनीष गुप्ता हत्याकांड का शोर अभी थमा भी नहीं था कि अब आगरा के अरुण वाल्मीकि की मौत ने हड़कंप मचा दिया है, क्योंकि एक बार फिर सवालों में पुलिस है जिसकी कस्टडी में एक शख्स की मौत हो गई, जिसको लेकर अब चौतरफा सियासत हो रही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा मृतक के परिजनों से मिलने जब लखनऊ से आगरा के लिए निकली तो पुलिस ने उन्हें आगरा एक्सप्रेसवे पर ही रोक लिया और हिरासत में ले लिया। मैं गेस्ट हाउस से निकल रही हूं, अगर जहां भी मैं जाना चाहती हूं वहां से रोक रहे हैं, तो क्या मैं रेस्ट हाउस में बैठी रहूं, क्योंकि इनको पॉलिटिकली कन्वीनियंट है। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता और पुलिस के बीच काफी धक्का मुक्की हुई। प्रियंका गांधी को हिरासत में लिया गया है और जबरदस्त हंगामा यहां पर देखने को मिल रहा है। लखनऊ में कांग्रेस के कार्यकर्ता उस गाड़ी के सामने लेटने की कोशिश कर रहे हैं और दरअसल गाड़ी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, जिस गाड़ी में प्रियंका गांधी और अजय कुमार लल्लू जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया है। पीड़ित परिवार से मिलने के लिए प्रियंका गांधी निकली थी लखनऊ से, लेकिन लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे जैसे ही शुरू होता है उसी जगह पर प्रियंका गांधी के काफिले को पुलिस ने रोक दिया। तकरीबन 2 घंटे बाद प्रियंका गांधी को पुलिस ने हिरासत में लिया, अजय कुमार लल्लू को हिरासत में लिया। ये 17 दिन में दूसरी बार था जब प्रियंका गांधी को यूपी पुलिस ने हिरासत में लिया, क्योंकि इससे पहले जब प्रियंका लखीमपुर जा रही थी तो उन्हें पुलिस ने सीतापुर में हिरासत में लिया था। हालांकि प्रियंका गांधी को थोड़ी देर के बाद आगरा जाने की इजाजत मिल गई। हम इन्होंने कहा है कि 4 लोगों के साथ हम जा सकते हैं, तो हम अभी जा रहे हैं। लेकिन सवाल बड़ा है, आखिर एक शख्स की मौत पुलिस की कस्टडी में हो कैसे गई? दरअसल 17 अक्टूबर को थाना जगदीशपुरा के मालखाना में एक चोरी हुई। ये चोरी 25 लाख रुपए की थी। इसी चोरी के चलते पुलिस ने अरुण वाल्मीकि को गिरफ्तार किया, लेकिन इसी दौरान पुलिस कस्टडी में अरुण वाल्मीकि की मौत हो गई। मृतक के भाई सोनू ने पुलिस की कड़ाई और बदसलूकी से मौत का आरोप लगाते हुए अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया। लेकिन जब प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव ने इस घटना को लेकर आवाज उठाई तो आनन फानन में 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन वाल्मीकि जयंती पर घटना से बवाल की आशंका पर अधिकारियों के होश उड़ गए। शहर भर में फोर्स तैनात की गई, वहीं जमकर सियासत भी हो रही। दरअसल यूपी में वाल्मीकि वोट का बड़ा जनाधार है जो कई सीटों पर अपना असर रखता है। यही वजह है कि प्रियंका हो या अखिलेश, सबकी निगाहें आगरा पर है। आगरा से नितिन उपाध्याय, ABP गंगा।